हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर सीसेट प्रिपरेशन। तो आज मैं कोई आपको पढ़ाने नहीं वाला, बट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि मैक्सिमम देखो बच्चों का क्या डाउट आ रहा है कि नंबर सिस्टम करना है, कैसे करना है। मैं एक जनरली बच्चों से बात कर रहा हूँ और मैक्सिमम का यही आ रहा है, सर नंबर सिस्टम कैसे कवर करें। मैं मानता हूँ नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चैप्टर आपको 80 क्वेश्चन का पेपर है और कोई एक चैप्टर आपको 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। अब नहीं छोड़ सकते तो इसका मतलब आपको वो करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। जैसे ये हो गया परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सिंप्लीफिकेशन, मैं सबका बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे टॉपिक वाइज आपने कवर करनी है। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक यही है, हाउ टू कवर नंबर सिस्टम फॉर, अगर मैं बेसिकली बात करूँ कब के लिए, जो आपका 24 का एग्जाम आ रहा है, कि नंबर सिस्टम को कैसे कवर करना है। बहुत अच्छा आज की वीडियो रहने वाली है। मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा किन किन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, करना तो फोकस है ही है, बट कैसे हमने फोकस करना है, किस हिसाब से हमने फोकस करना है, वो आपको देखना है। क्लियर? तो प्लीज़ इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लियर? और कोई डाउट हो तो प्लीज़ 9517717651 इस नंबर पर कॉल भी करना है और इस नंबर पर व्हाट्सएप भी करना। और एक व्हाट्सएप से याद है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसे प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियोस आती हैं, चाहे वो ऐसी वीडियोस हों, चाहे वो कोई लेक्चर की वीडियोस हों, चाहे मेंटरशिप की वीडियोस हों, सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएँ। क्लियर? कुछ मिस ना हो। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। देखो सबसे पहले यू मस्ट नो अबाउट टाइप्स ऑफ नंबर। मैं बिल्कुल बेसिक से चलाऊँ कि किस हिसाब से हमें चलना है, कि मुझे पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ नंबर्स के। जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, आपके पास इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ आपका होल नंबर आता है, ठीक है, प्लस माइनस वाले सारे इंटीजर्स होते हैं आपके, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे आपके, जो सारे के सारे प्लस वाले नंबर्स होंगे। क्लियर? और होल नंबर जीरो को भी अगर प्लस वाले नंबर्स का साथ मिला दोगे तो वो आपका क्या बनेगा, वो आपकी होल नंबर की सीरीज़ बन जाती है। क्लियर? तो आपको एक सीरीज़ का प्रॉपरली पता होना चाहिए, व्हाट आर नेगेटिव नंबर्स, व्हाट आर पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर है? रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो, छोटा सा एग्जांपल दूं आपको मैं, जैसे इंटीजर्स हैं, सारे के सारे नेगेटिव नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव, सारे नंबर्स आएंगे इसमें, होल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? ये नेगेटिव नंबर हो गए, ये पॉजिटिव नंबर हो गए, जीरो मेरे पास है ना, इधर पॉजिटिव है ना मेरे पास, ना इधर नेगेटिव है, बेसिकली। क्लियर? तो ये छोटा सा चार्ट था जो मैंने समझाया कि किस तरीके से आपको चीज़ों को लेके चलना है। तो आपको क्या होना चाहिए, आपको नंबर की नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर के टाइप क्या होते हैं। बेसिकली मैं बात क्या कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ नंबर, क्योंकि नंबर सिस्टम करना है, नंबर सिस्टम करना है। आपको बोल दिया कि ऑल नेचुरल नंबर्स, तो कैसे पता चलेगा जब तक आपको नेचुरल नंबर खाने पता, ऑल नेगेटिव नंबर्स कैसे पता चलेगा जब तक आपको नेगेटिव नंबर्स खाने पता। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा आपको तो प्लस पॉइंट देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि बहुत बार ये प्राइम नंबर परेशान करता है। क्लियर? कि कैसे पता करेंगे कोई नंबर प्राइम है या नहीं, समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्राइम नंबर। अब सुनो, प्राइम नंबर बेसिकली क्या होता है आपके पास, जिसके क्या होते हैं, जिसको जो जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम का तो केस ही नहीं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, एक वो सेल्फ, एक वन। जैसे अब स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या, देखो वो लिखते हैं 1 2 3 5 और ऐसे करके वो एक नंबर सीरीज बनाते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं सर ये मेरे पास प्राइम नंबर है, बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, एक मेरे पास प्राइम नहीं है, एक भी डोंट है प्राइम नंबर, बिकॉज प्राइम नंबर होगा तो दो फैक्टर चाहिए मुझे, है ना, दो नंबर से कटना चाहिए, तो अपने आप से एक किससे, एक एक से, एक से तो कट रहा है, बस एक भी तो अपने आप में एक ही है, तो दो कैसे होगा, तो एक ही गिना जाएगा, एक कॉपी थोड़ी ना कह सकते हो, एक अपने आप से भी कट रहा है, एक एक से भी कट रहा है, वो एक इलॉजिकल सी थिंग है, तो ये नहीं होगा। तो और याद रखो आपके पास, अब बच्चों को बेसिक एक प्रॉब्लम आती है, उनको अगर मैं बात करूँ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा जो इवन आपका, वो क्या है, दो। मैं कई बार पूछ लेता हूँ बच्चों से, इवन प्राइम नंबर बताना कौन से कितने होते हैं, सोचने लग जाते हैं, एक ही होता है, एक को छोड़ के कुछ नहीं होता, वो क्या है मेरे पास, टू। समझा की बात?
तो ये छोटी छोटी चीजें जो प्राइम एक 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 और इसके अंदर सब टॉपिक आता है हाउ टू फाइंड आउट एनी नंबर इज प्राइम और नॉट। आप कैसे पता करेंगे स्टूडेंट कि कोई नंबर आपके पास प्राइम है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? क्लियर। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है कि जो नंबर है उसका स्केयर निकालो, उसके आसपास का स्केयर देखो छोटा, और उसके सारे के सारे नंबर देखो, वो सारे के सारे उससे छोटे प्राइम नंबर देखो, अगर नंबर से डिविजिबल हो गया तो हो गया। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ये बेसिकली देखना आपको है कैसे करना, मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता, आपको सॉल्व करके दिखा सकता, बट वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्लियर। अब एक क्वेश्चन था मेरे पास कि तीन प्राइम नंबर से ए प्लस बी प्लस सी उनका सम 100 है, ऐसा क्वेश्चन था एक, ठीक है। मुझे बोला एक दूसरे से 31, 37 कुछ बड़ा, तो बताओ। अब यहाँ पे कन्फर्म है, बच्चे कन्फ्यूज कहाँ होते हैं कि सर दो प्राइम नंबर तो दे दिए बट तीसरा क्या है? वो मेरी बात सुनो, जब आपके पास अगर एक ही है मेरे पास इवन प्राइम नंबर होगा तो डेफिनेटली बाकी दो ऑड होने चाहिए, बाकी दो ऑड होने चाहिए। अगर बाकी दो ऑड हैं तो ऑड ऑड इवन, तो जब भी तीन प्राइम नंबर आएंगे तो डेफिनेटली उनका सम इवन हो ही नहीं सकता जब तक उनमें से एक इवन ना हो। समझ आ गई बात? तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? टाइप ऑफ आपके प्राइम नंबर से और आपकी प्राइम नंबर की नॉलेज से। क्लियर। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे घुमा फिरा के प्राइम नंबर से पूछे जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट देखिए, अब ये रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन ना आए। अब रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन किस लेवल का आता है देखो, जैसे मुझे दे दिया 3 की पावर 2019 डिवाइडेड बाई 10, बताओ रिमाइंडर कितना है। ये हालिया क्वेश्चन आपको एक दो साल पहले का ही कि 3 की पावर 2019 डिवाइडेड बाई 10 रिमाइंडर बता दो कितना है। इस तरह क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, कैसे करेंगे? मैं सॉल्व तो डेफिनेटली करके दिखाऊंगा आपको इसमें, बट यू मस्ट हैव द क्लियरिटी, आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर। देखो जैसे मेरे पास, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पास है 7/9। क्लियर। 7/9 है, यहाँ से रिमाइंडर कितना है मेरे पास? +7। अच्छा अगर मैं 7 का स्केयर बटा 9 करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास? कितना आएगा रिमाइंडर? आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो इसको 8 ले लो, ज़्यादा जल्दी समझ आएगा क्योंकि इस क्वेश्चन का बेस समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको 8 ले लो। देखिए 8/9 रिमाइंडर 8 आएगा, इसको क्या लिखूंगा? 8 का स्केयर 9 कैसे लिखूंगा इसे मैं? 9 - 1 इसका स्केयर डिवाइडेड बाय 9, यानी 64/9 आया मेरे पास, यानी डेफिनेटली +1 आ रहा है। अगर क्यूब आ जाए, 4 बार आ जाए 5 बार आ जाए कैसे करोगे? देखो आपने कुछ नहीं करना होता, ये लिखो कैसे, 8 × 8 / 9 लिखोगे, यहाँ से रिमाइंडर एक, यहाँ से रिमाइंडर एक, 1 × 1 = 9 आंसर इज 1। इस केस में कैसे करोगे? अगर डायरेक्टली करना, बड़ी सारी टर्म्स हो तो 2 टर्म्स है, बड़ी सारी टर्म्स हो कैसे करोगे? देखो 9 से 9 कैंसिल, -1 की पावर 2 / 9। अब डिपेंड ये करेगा कि ये पावर क्या, ऑड है कि इवन है। क्लियर। अगर बाई चांस ये क्या होता, 8 का क्यूब / 9 होता मेरे पास, तो मैं क्या करता, 9 - 1 का क्यूब / 9, तो कितना हुआ? -1 क्यूब / 9, यानी कितना आ गया? -1/9 आ गया, तो 9 - 1 = 8। ये क्या होता है? ये मेरा नेगेटिव रिमाइंडर का केस है। क्लियर। तो मैं क्वेश्चन करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है चीज़ें, वो अभी भी भ्रम में फैले हुए हैं। क्लियर। और ये आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखाया कि किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन में करने हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया, अ नंबर इज डिविजिबल बाय दिस देन रिमाइंडर इज दिस, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस व्हाट विल बी योर रिमाइंडर। क्लियर। तो एक आपके पास नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक आता है आपका स्टेटमेंट बेस, एक आते हैं मेरे पास स्टेटमेंट बेस। तो दो तरह की रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं, कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा आता है मेरे पास स्टेटमेंट बेस। क्लियर। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि a (b)c(d) / e, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। क्लियर। तो उस केस में ए बी सी डी मेरे पास कुछ वैल्यू होगी, ई मेरे पास कोई नंबर होगा। क्लियर। तो इस तरह क्वेश्चन भी रिमाइंडर थ्योरम के आपसे पूछे जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को बेसिकली पता ही नहीं कि रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन किस तरह के प्रोड्यूस हो रहे हैं और किस तरह के उनसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो फाइंड द यूनिट डिजिट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट हो रहा है। मुझे देखो नंबर दिया है, मुझे दे दिया एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई ए बी सी मल्टीप्लाई पी के हुआ। वो पूछ रहा है मुझसे कि इसका यूनिट डिजिट बता दो।
कैसे बताओगे? हाउ विल टेल द यूनिट डिजिट? या आपसे ये पूछ लिया कि 2 की पावर 243, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, कैसे करेंगे क्वेश्चन में? दो तरह के, पहली टाइप ये होगी, दूसरी टाइप ये होगी। वैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है। इस केस में क्या करोगे आप? इस केस में सिर्फ मुझे जेड, सी और आर की वैल्यू चाहिए, बात खत्म, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सपोज करो ये था 1 2 3 इंटू, ये था मेरे पास कुछ भी ले लो 4 5 2 इंटू ऑफ, ये था मेरे पास 7 8 और 1, तो ये कितना होगा? 3 2 6 गुना 1, 3 गुना 2 गुना 1 6 आएगा आपके पास। समझ आ गई बात? तो ये सोच के चलो। अब देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में चाहिए आपको यूनिट डिजिट के केस में क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए, साइक्लिसिटी। समझ आ गई बात? यहाँ पे किसका सीन आया? अब साइक्लिसिटी क्या होती है थोड़ा बहुत इसके बारे में सुनो। जैसे मैं सिर्फ एक दो की बताऊंगा, बाकी आप देखिएगा, ना समझ आए तो जो मैंने नंबर बताया ना 9 5 1 7 7, इस नंबर पर कॉल कर लेना, जो चीज आपको चाहिए होगी ना एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। क्लियर? यहाँ पे कॉल कीजिएगा। देखो जैसे 2 की पावर 1 कितना हुआ, 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया। क्लियर? अच्छा 2 की पावर 5 कितना हो गया मेरे पास, 32, 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64, 2 की पावर 7 कितना हो गया, 128, 2 की पावर 8 कितना हो गया मेरे पास, 256। क्लियर? तो ये आ गया। अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात। अब आपने करना क्या, देखो 2 4 8 एंड 6, इसका मतलब साइक्लिसिटी ऑफ 2 कितनी आ गई मेरे पास, 4। आपने क्या करना हो तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड करो, 243 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर कितना आ गया, +3 आ गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया आपके पास, 8, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। ये मेरे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से बाकी नंबर्स की भी साइक्लिसिटी, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें जब आप करोगे ना तो आएंगी, ऐसे नहीं है कि मैंने बता दिया और हो गई हैं। क्लियर? तो नंबर्स इस तरह में इतना आसान भी नहीं जितना लगता है, जब भी उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टाइम एंड वर्क से इतने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा, ठीक है, वो प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं क्यों पूछ रहा है, ये से क्यों पूछ रहा है, क्योंकि बच्चे करते ही नहीं, उन्हें लगता है नंबर सिस्टम ही तो हो जाएगा, 2 2 4 4 क्वेश्चन कर लिए हो गया, ऐसे नहीं होगा, करना पड़ेगा आपको, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगन रखनी पड़ेगी इसके लिए। क्लियर? चलिए फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, फैक्टराइजेशन समझ आनी चाहिए आपको। समझ आ गई बात? फैक्टर्स तो जब समझ आएंगे जब फैक्टराइजेशन समझ आएगी। समझ आ गई बात? देखो होता क्या, जैसे मैंने लिखा अपने पास कोई नंबर ले लो, जैसे मैंने लिखा 112, ठीक है, वो कहेगा इसके फैक्टर्स बताओ कितने, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्या करो, 2 से डिवाइड करो, 2 इंटू 56 आ गया, 2 इंटू 7 गुना 8 आ गया, 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 7, तो कितना आ गया, 2 की पावर 4 इंटू 7, इतना ही आ गया, 2 दिन 4 16 7 112। तो ये फैक्टर्स निकालने आपको आने चाहिए, फर्दर बहुत लंबा प्रोसेस है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तो यू मस्ट नो अबाउट द एक्चुअल फैक्टर्स, की फैक्टर्स कितने आते हैं। क्लियर? कितने कितने तरह के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप करोगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलने वाला, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना आसान नहीं नंबर सिस्टम करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिविजिबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ नहीं होता। क्लियर है? डिविजिबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी क्या है, कहाँ यूज़ करना है। अभी रिसेंटली आपको बड़े सारे क्वेश्चन आए हैं, क्लियर है, कि बताओ क्या ये नंबर से डिविजिबल है। एक क्वेश्चन देखा रिसेंटली मैंने, उसमें क्या था, उसमें 5-6 नंबर दिए हुए हैं और एक नंबर दिया हुआ, नंबर मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या था, क्या वो 127 था नंबर, 127 नहीं था, कुछ नंबर था कि आपको 3-3 डिजिट के 6 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और एक आपको नंबर दिया हुआ 132 था नंबर, ठीक है, नंबर वॉज 132, एक अच्छे एग्जाम ना, सॉरी नंबर वॉज 132। क्लियर? क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया कि उनमें से कितने नंबर हैं जो 132 से डिविजिबल हैं। देखो कि 132 का फैक्टर कितना हो, 11 गुना 12 हुआ, यानी 3 गुना 4 गुना 11, सॉरी इसका नंबर, वो जो नंबर डिवी, जो भी मेरे पास नंबर थे, जैसे ऐसे नंबर थे ABCDEF LKG, ठीक है, पीके वर्क कुछ ऐसे इसमें थे,
मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कितना वास्ट हो चुका है, आपको ये बता रहा हूँ डिविजिबिलिटी कितनी वास्ट हो चुकी है। इनमें से पूछा है कौन कितने नंबर्स हैं जो इससे डिविजिबल है, करके थोड़ा ना दे सकते हो। अगर इनको कल को मैं 6 डिजिट बना दूँ, 1 2 3 कर दूँ, ABC ऐसे कर दूँ, तो कैसे करोगे? तब क्या करना पड़ेगा आपको? यू मस्ट नो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 4 and 11, बात खत्म। क्लियर है? क्योंकि आपके पास क्या डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, किस किस के डिविजिबिलिटी रूल हैं? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसके बाद की डिविजिबिलिटी रूल, ये तो आपको पता है ना कि तो कैसे होगा, लास्ट का नंबर 0 to 4 इवन नंबर होना चाहिए। 3 कैसे, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट क्या है, 4 लास्ट के दो डिजिट, 5 क्या है एंड में 0 है 5। 6 कैसे, जो 2 से भी हो 3 से भी हो बेसिकली। 7 कैसे हैं, जो आप कर रहे हैं आपको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, 6 बार 12 बार 18 बार वो ठीक है, इसका थोड़ा एक्सेप्शनल केस भी है, ठीक है। 18 के 8 क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट एक्स वाई जेड, अगर ये डिविजिबल है तो है। 9 क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट। 10 क्या कहता है, 0। 11 क्या कहता है, ABCD मतलब बी प्लस डी माइनस ऑफ ए प्लस सी, या तो 0 हो या 11 का मेरे पास रूल होना चाहिए। क्लियर? ये चीज़ें समझो पहले तो बैठ के, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद जैसे क्वेश्चन था क्या है नंबर 88 से डिविजिबल है, क्या है नंबर 72 से डिविजिबल है, कोई नंबर 72 से डिविजिबल कब होगा, तो वो किससे डिविजिबल होगा, 8 से भी होगा और वो किससे भी होगा, 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है कि वो 8 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। आपको हमेशा कोप्रैम फैक्टर देखने हैं। कोप्रैम फैक्टर कौन से होते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, 1 × 8 और ये क्या है, 1 × 9, कि उनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ 1 और 1 को छोड़ के, सॉरी 1 और 1 नहीं, 1 को छोड़ के। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी आपने देखनी, और कम से कम 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से नंबर सिस्टम कवर होगा, वरना नंबर सिस्टम कभी भी कवर नहीं होगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इंडायरेक्टली। कोशिश की है कि मैं आपको बता पाऊँ, कि ओवरव्यू दे पाऊँ कि बेसिकली नंबर सिस्टम को कवर करना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की दिक्कत रहती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता। उन्हें सिर्फ ये पता है कि नंबर सिस्टम में ये चीज़ें हैं, लिखा हुआ सिलेबस है, रटाई रटाई चीज़ें हैं, जो किसी बुक में लिख दी वही किसी कॉपी पेस्ट करके दूसरे ने लिख दी, वो इंटरनेट पर मिल रहा है। बट बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करना है, मुझे ये पता भी तो होना चाहिए स्टूडेंट्स। वो कहाँ से पता चलेगा, वो आज की वीडियो बता देगी। और मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज कितने बच्चों का भला होगा मुझे भी नहीं पता, बट भला होना चाहिए। प्लीज़ शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज आप ही कर सकते हो, मैं तो एक लिमिट तक कर सकता हूँ, बट आप लोग एक को भेजोगे, दो को भेजोगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों को भेजिए, ताकि वो भी फ़ायदा उठा पाएँ। क्लियर? सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ ना, इस नंबर सिस्टम को क्रैक करने की सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्यों मैंने नंबर सिस्टम ही चुना, क्यों मैंने टाइमड वर्क नहीं चुना, क्यों मैंने पाइप एंड सिस्टम नहीं चुना, क्यों मैंने प्रॉफिट लॉस पी टाइम डिस्टेंस का चैप्टर नहीं चुना, क्यों मैंने हमेशा एक ऐसा चैप्टर चुना आज, हमेशा अगर आज ऐसा चैप्टर चुना है जो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलाता है, कैसे? देखो, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ वन बाय वन। देखो देखो, अगर आप हमारे साथ पोर्टल पर जुड़ोगे ना, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी, देखो अभी p.abhimanyu.com चूज एग्जाम करेंगे CSAT। अगर आपको बाई चांस देखना है कितने कितने क्वेश्चन आ रहे, देखो कैसे देखोगे, सारे सब चीज़ में वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। आप यहाँ गए, देखो यहाँ पे क्या नंबर सिस्टम है, कितने क्वेश्चन आए हैं पर ईयर, मैं बताता हूँ आपको। देखो होपफुली आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 2023 में 18 क्वेश्चन, 2022 में 10 क्वेश्चन, 2021 में 9 क्वेश्चन, 2020 में 15 क्वेश्चन, 2019 में 7 क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन का डेटा है जो कि हर साल बढ़ रहा है। इस साल अगर 18 आए तो मैं उम्मीद करूंगा इस साल 18 तो कम से कम आए, 20 प्लस हो सकता है डाटा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप कंप्लीट कर सको? यस, आप सिर्फ और सिर्फ कितना, 355 रुपये में कर सकते हो पूरा नंबर सिस्टम, सिर्फ 355 रुपये में कैसे कर सकते हो? देखो क्या मिल रहा है आपको, आपको 11 लेक्चर मिले, 10 वेब नोट्स मिले, 440 MCQs मिल रहे हैं। क्लियर? अब 11 लेक्चर्स तो मिल रहे हैं, 11 लेक्चर तो मिल रहे हैं ना, इन 11 लेक्चर्स में क्या है, आपको सारी थ्योरी जो मैंने बताया वो सब थ्रेटिकल रूप में यहाँ पे बताया गया, वो सब इसमें थ्योरी रूप में बताया गया, और प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, प्लस
यहाँ पे लास्ट के 3 से 4 लेक्चर्स में क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको सोल्यूशन दिए, वीडियो सोल्यूशन दिए हुए हैं, क्लियर। और इसमें क्या है वेब नोट्स के सारी थ्योरी जो भी तक आपने मेरे मुँह से सुना है वो सब टाइप्ड मटेरियल मिलने वाला आपको। और ये 440 MCQs के हैं, इसमें क्या होगा स्टूडेंट आपके पास MCQ के साथ क्या होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्लियर। वो बड़ा स्मार्टली तरीके से बनाएंगे। और सिर्फ कितने रुपए का है मेरे पास देखो, सिर्फ कितने का है देखिए, सिर्फ और सिर्फ 355 रुपीज़ का है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मैं फिर बता दूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अभिमन्यु वाइस इसलिए नंबर वन है बिकॉज हमने कर रखे, कोई डाउट हो तो 9517771165 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं आप, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, बस आपको सिर्फ एकजुट रहना है, ठीक है, हमारे साथ रह के हमारे साथ, और इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके, क्लियर। कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये जो वीडियो है ये एक नंबर मतलब आपको बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि अब आपको ये पता चल चुका है कि नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या क्या और कहाँ से पढ़ना, मैंने वो भी बता दिया आपको, ठीक है। तो सारे के सारे लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।